नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों एक नई वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शबनम की प्रॉपर्टी बिकेगी भी और इन सबों में बटेगी भी, लेकिन कौन है वो जिनको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। क्योंकि अब जो बात है, अब एक ही बात पे डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है कि शबनम की प्रॉपर्टी अब जो है वो किसको मिलेगी। क्योंकि शबनम की प्रॉपर्टी लगभग आसपास जो 60-70 लाख की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी शबनम ने संजो करके रखा है अपनी बेटी ताज के हायर एजुकेशन के लिए। और वो अपने बेटे को एक बेहतर इंसान, समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान बनाना चाहती है। तो ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, क्या वाकई उसके बेटे को मिलेगी, या फिर उसके बेटे का जो केयर टेकर है उस्मान सैफी उसे मिलेगी, या फिर इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो बहुत पहले से नज़र है शबनम के चाचा का, क्या उसे मिलेगी। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन की घंटी बजा ले, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों शबनम की प्रॉपर्टी काफ़ी कह सकते हैं कि अगर पैसे की बात करें तो लगभग 60-70 लाख रुपए दाम है उस प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो हर एक साल बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसी को लेकर के शबनम ने अभी तक प्रॉपर्टी को बेचा नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है बस अपने बेटे के हायर एजुकेशन में वो लगाना चाहती है, ताकि वो समाज का एक बहुत अच्छा इंसान बने, बड़ा इंसान बने। और दोस्तों क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है एक संजो करके रखा गया अपने बेटे के लिए, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है शबनम के चाचा जो है वो बार बार बयानबाजी करते हैं, बार बार ये दिखलाने की कोशिश करते हैं कि शबनम की अब वो हितेशी है। यानी कि लगभग अब एक साल से मैं बता दूं आपको कि शबनम का चाचा का सुर बदल चुका है, यानी अब जो है वो एक सबसे बड़ा हितेशी के रूप में सामने आ रहा है। क्योंकि अब शबनम के चाचा को ये बात लगने लगी है कि ये जो प्रॉपर्टी है अब वो उसे नहीं मिल सकती है, इसलिए वो किसी भी तरह से छल से बल से किसी भी तरह से वो प्रॉपर्टी को लेना चाहता है, ताकि ये जो 60-70 लाख रुपए हैं ये कम अमाउंट नहीं होता। और इसी को लेकर के शबनम का चाचा ने बार बार ये जताने की कोशिश की है कि शबनम के जाने के बाद उसके बेटे का सबसे ख्याल, सबसे बेहतर ख्याल जो है वही रख पाएगा। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है वो बिकने वाली है, क्योंकि अब शबनम का बेटा ताज जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और उसके एजुकेशन में ये काम आने वाला है। तो क्या ये प्रॉपर्टी जो बिकेगी इसमें सबसे पहला हक जो है वो उस्मान सैफी का होगा, क्योंकि वो एक केयर टेकर के रूप में जो है शबनम का बेटा ताज की रखवाली कर रहा है, यानी उसको पाल रहा है, पोस रहा है, और बेहतर तरीके से, जी हाँ बेहतर तरीके से उसका एजुकेशन को भी उस्मान सैफी जो है वो एक बेहतर इंसान है, और काफ़ी मतलब अच्छा इंसान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं उनका वीडियो भी देखता हूँ। वो एक यूट्यूबर भी है और उनका जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है और बेहतर इंसान है। तो कह सकते हैं कि वो एक अच्छी तरह से परवरिश कर रहे हैं, बिना किसी लोभ लालच के एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, क्या उसके चाचा को मिलनी चाहिए या फिर एक उस्मान सैफी को मिलनी चाहिए। क्योंकि एक चाचा जो है वो एक चाचा का जो इमेज है वो एक लालच कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी का भूखा उसके रूप में है, और एक उस्मान सैफी है जो पूरी लगन के साथ उसके बेटे को पाल पोस करके बड़ा कर रहा है, बेहतर एजुकेशन दे रहा है। तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताना, लेकिन देखते आने वाले समय में ये कब बिकता है, कितने में बिकता है और किसे मिलता है, ये सब कुछ आपको बस हमारा चैनल ही सबसे पहले बताएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।